12:14 हो गया और ये महाशय अब नाश्ता करवाने रुके हैं, इनको आगे कर दिया था। बताइए 12 बजे भैया जब हम लोग नाश्ता करेंगे खाएंगे कब खाना? खाने नहीं तो खाना खाना भैया, और यही नाश्ता हो रहा देखो बड़ा का नाश्ता है, ये चावल से ही बनाया जाता है। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों अभी सुबह के 10:30 बज गए हैं और इधर ही बालासुर से लमसम 50 किलोमीटर पहले हूँ, भद्रक और बालासुर के बीच में। छोटे यार चाय वगैरह एक बार पी लें, और ये भाई साहब पान भी बना रहे थे तो मैं बोला पान बनाओ, पान खाया हूँ भाई, गुटखा नहीं खाया हूँ क्योंकि देवेंद्र भाई बोलते हैं गुटखा मत खाया कर, ठीक है ना। और दिखाता हूँ आपको पान कैसे लगाते हैं, उड़ीसा में अलग तरीके से पान लगाते हैं यार, हर जगह से अलग, ठीक है ना। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में, हम आपको दिखाते हैं पान कैसे लगाते हैं यहाँ उड़ीसा वाले। तो दोस्तों देखो ये पहले चूना लगा रहे हैं, चूना लगाने का अंदाज देखो कितना मोटा ब्रश है, वो भी लकड़ी का ब्रश है। उसके बाद इसमें डाल लेंगे गीला गीला हाँ, ये तो गीला कोई ये पान को पूरा मुंह लाल करेगा। अच्छा यानी कि कत्था, इसको मान लो हमारे यहाँ कत्था बोलते हैं ना। तो मिठाई डालेगा नहीं? नहीं मीठा नहीं, ये तो मीठा है। उसके बाद डालेंगे क्या, किमाम? हाँ किमाम 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 दे दिए। हम्म, उसके बाद थोड़ा डाल देंगे दालचीन। दालचीनी है? हाँ यार दालचीनी और जगह तो हमारे यूपी में नहीं डालते पान में, ये है हमारा दालचीनी उड़ीसा में। उसके बाद डाल दिए सफर कुच। ये क्या है? सफर कुच। सफर कुच हाँ, ये पान में तो खुशबू लाएगा मुंह का। अच्छा ये खुशबू लाता है ये पाउडर। हाँ। उसके बाद डाल देंगे गोपाल का जर्दा। हाँ गोपाल का जर्दा, पहले इसको थोड़ा घीच देंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, घीचने के बाद हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा डाल देंगे गोपाल का जर्दा। जर्दा डाल दिए, उसके बाद थोड़ा डाल दिए क्या कोनोक। ये भी जर्दा है क्या? ये भी एक जर्दा है, ये भी ये जर्दा जो खाएंगे ना थोड़ा जिसके साथ बात करेंगे ना एक आदमी को पता चलेगा कि पान में कोई खाया है। अच्छा अच्छा, उसके बाद क्या डालेंगे? सुपारी। हाँ सुपारी हो गया। उसके बाद डालेंगे क्या? आम का औदा। ये औदा क्या होता है यार, एक बार दिखाओ तो। अदरक के जैसा है, ये अदरक के जैसा है, हमारा उड़ीसा में फलता है आम का औदा। ये वो कच्चा आम का स्मेल है इसका, कच्चा आम की तरह लगता है ना। हाँ हम्म, इसको डाल दिए। इसके बाद इसको डाल दिए पान बार। ये क्या है? पान बार। ये है पान बार। अच्छा अच्छा अच्छा, पान बाहर गुटका। हाँ मतलब ये गुटका का जैसा एक ये है। डाल दिए, इसके बाद हो गया पान रेडी। उसके बाद इसको भांग के अभी खाने का टाइम आ गया, अभी खाओ पान। तो और भी चीज इसमें अगर डालोगे तो पड़ेगा ना बहुत सारा मटेरियल है, ज्यादा कुछ डालने से मतलब अच्छा नहीं लगेगा, पूरा पित्ता हो जाएगा, खराब हो गया, अच्छा नहीं लगेगा। नहीं तो डालने का कुछ प्रॉब्लम नहीं, बहुत कुछ जरता है डालने के लिए लेकिन अच्छा नहीं लगेगा डालने से, खराब कर देगा पूरा। आपका हो गया पान रेडी। दोस्तों दो चाय का और 5 पान का 22 रुपया हुआ, 1 चाय का 5 रुपया, 2 चाय का 10 रुपया और 1 पान का कितना? 1 पान का 2.5 रुपया लेता है, 2 रुपया में लगा। हाँ 22 रुपया हुआ। आप समझ लो इतना सस्ता यहाँ आज भी है, हम लोग के यहाँ पान 8 रुपये 10 रुपये का नॉर्मल पान मिलता, 150, 200, 500 रुपये तक पान मिलता है। तो ठीक है सबका लिए कंटिन्यू करते हैं आगे के लिए। दोस्तों बालासुर पहुँच चुके हैं और देखिए साइड में रोड का काम चल रहा, आप ये मान के चलिए भद्रक से शुरू होता है और खड़गपुर तक यही हाल है रोड का, समय बहुत लग जाता है, समय ही नहीं बीतता क्योंकि जगह जगह ड्राइवर्जन और ब्रेकर स्पीड ब्रेकर बना रखे हैं। बारह बज के 14 मिनट हो गया और ये महाशय अब नाश्ता करवाने रुके हैं, इनको आगे कर दिया था। बताइए 12 बजे भैया जब हम लोग नाश्ता करेंगे खाएंगे कब खाना? खाने नहीं
खाना खाना था यार, और यही नाश्ता हो रहा। देखो बड़ा का नाश्ता है ये, चावल से ही बनाया जाता है। तो कर लेते हैं फिर चलते आगे। दोस्तों हमारे गैस सिलेंडर का जो प्रॉब्लम था लीकेज का, उसको ठीक करवा लें और थोड़ा बहुत गैस भी डलवा लें, नहीं तो खाना वगैरह बनाने के लिए हमें प्रॉब्लम हो जाएगा और इसकी वजह से हम खाना भी नहीं बनाए अभी। यार जाने में हम 2.5 kg गैस भरवाए थे और 3-4 दिन खाना बना, सारा गैस ख़त्म, क्योंकि गैस लीकेज था ना। दोस्तों ये उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का बॉर्डर है, दातून बॉर्डर। यहाँ जानकारी के लिए बता दें कि जो भी ड्राइवर भाई आएंगे नए, उनकी जानकारी के लिए यहाँ पे लोग क्या है, 1-2-4 लोग गाड़ी के सामने एक-एक आ जाएंगे और बोलेंगे कि आरटीओ के आदमी हैं, आरटीओ का मैकेनिकल दिखाओ, जबकि मैकेनिकल उड़ीसा में बंद है। तो ऐसे सावधान रहें, इस तरह का फ्रॉड यहाँ होता है इस इलाके में, इस क्षेत्र में। दोस्तों खाना खा रहे हैं, देखिए बंगाली खाना है, नहीं पाया, अगली बार बनाएंगे। आप दाल भी देख सकते हो, दाल चावल है, सब्जी है, इस तरह बांग्ला खाना होता है। बाकी ये देखो पार्टनर भी हमारे देख भी नहीं रहे, इतनी जोर से भूख। दोस्तों ये सब्जी देख रहे हो, आलू के साथ छिलका भी है, ये आलू छिलके वाली सब्जी कह सकते हो। सोचता है ना, 3:46 का टाइम हो गया भैया, खाना पीना खा लिए और अभी आपने देखा ही भात खाए, मज़ा नहीं आता यार। देखो अब जिसकी जो आदत पड़ जाती है ना, मैं नहीं कह रहा हूँ खाना ख़राब होता है, लेकिन जिसकी जो आदत पड़ जाती है खाने की ना रुपेश, मज़ा नहीं आया ना। है क्या करोगे, बंगाल है, थोड़ा मिर्ची मसाला कम खाता है। बंगाल के लोग मिर्ची मसाला कम खाते हैं ये बोल रहे हैं, मिठाई ज़्यादा खाते हैं क्या? मिस्टी खाता है तो ऐसा ही है, यहाँ के लोग मिठाई ज़्यादा खाते हैं, ये तो बोल रहे हैं कि ये वो लोग गर्म मिठाई ज़्यादा खाते हैं। पूरी और गर्म मिठाई। हाँ पूरी गर्म मिठाई, सही बात है, बंगाल में ऐसा ज़्यादा लोग खाते हैं, ऐसा ज़्यादा खाते हैं। तो यही सब बात है भैया। अभी खड़गपुर से कितना हम लोग हैं? हो गए 40 किलोमीटर लमसम। खड़गपुर से लमसम 35-40 किलोमीटर अभी पहले हैं हम लोग। दोस्तों 5 बज गए और हम हैं खड़गपुर। वही थोड़ा सा केबिन का लाइट का काम करा लें, एक सर्च लाइट का बल्ब कट गया था उसको डलवा लें, और वो प्रेशर पाइप का नहीं, मतलब छोटा छोटा काम है। दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।